भाइयों और बहनों, थोड़ी देर पहले जिस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है, उससे इस क्षेत्र को आधुनिक चिकित्सा सुविधा तो मिलेगी ही, गाजीपुर में नए और मेधावी डॉक्टर भी तैयार होंगे। यहां के नौजवानों को डॉक्टर बनने का सपना अपने घर में पूरा करने का मौका मिलेगा। करीब 250 करोड़ की लागत से जब ये कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा तो गाजीपुर का जिला अस्पताल 300 बेड का हो जाएगा। इस अस्पताल से गाजीपुर के साथ साथ आसपास के अन्य जिलों के लोगों को भी लाभ होगा। लंबे समय से ये आप सभी की मांग रही थी और आप सभी के प्रिय हमारे साथी मनोज सिन्हा जी भी निरंतर इसको आवाज देते रहे हैं। बहुत जल्द ये अस्पताल आप सभी की सेवा के लिए समर्पित होगा। इसके अलावा गाजीपुर में 100 बिस्तर वाले मैटरनिटी अस्पताल की सुविधा भी जुड़ चुकी है। जिला अस्पताल में आधुनिक एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है। आने वाले समय में इन सुविधाओं को और विस्तार दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, गाजीपुर का नया मेडिकल कॉलेज हो, गोरखपुर का एम्स हो, वाराणसी में बन रहे अनेक आधुनिक अस्पताल हो, पुराने अस्पतालों का विस्तार हो, पूर्वांचल में हजारों करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार हो रही है। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य को आजादी के इतिहास में पहली बार इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना, पीएम जय, लोग उसको मोदी केयर भी कहते हैं, इस पीएम जय का, आयुष्मान भारत योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। इस योजना से कैंसर जैसी सैकड़ों गंभीर बीमारियों की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। सिर्फ 100 दिन के भीतर ही देश भर के करीब 6.5 लाख गरीब बहन भाइयों का मुफ्त इलाज या तो हो चुका है या फिर अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के भी 14,000 से ज्यादा बहनों भाइयों को इसका लाभ मिला है। और ये वो लोग हैं, दो दो चार चार पांच पांच साल से गंभीर बीमारी के साथ मौत का इंतजार कर रहे थे। डर लग रहा था, अगर उपचार कराऊंगा तो पूरा परिवार कर्ज में डूब जाएगा। वो दवाई नहीं करवाते थे, मुसीबत झेलते थे। आयुष्मान भारत योजना ने ऐसे लोगों को ताकत दी, हौसला दिया। अब वो अस्पताल आए हैं, उनके ऑपरेशन हो रहे हैं और हंसते खेलते अपने घर लौट रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार देश के हर परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा जैसी योजनाओं से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है। मुश्किल समय में 2 लाख रुपए तक की मदद मिल पाए, इसके लिए सिर्फ 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपये महीना के थोड़े से प्रीमियम पर ये योजनाएं चल रही है। इन दोनों योजनाओं से देश भर में 20 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इसमें करीब
2.25 करोड़ लोग हमारे उत्तर प्रदेश के भी हैं। इसके तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक ये रकम पहुंच चुकी है और जिसमें से करीब 400 करोड़ रुपए का क्लेम उत्तर प्रदेश के ऐसे परिवारों के घर पहुंच चुका है।